जमाना क्या कहेगा इस तरह जाना नहीं अच्छा, अधूरा जो भी रह जाए वो अफसाना नहीं अच्छा। किसी शायर ने कहा कि बारिशें संगे मलामल में भी वो हमरा है, बारिशें संगे मलामल में भी वो हमरा है, मैं भी भीगूं वो भी पागल भीगता है साथ साथ। लड़कियों के तो खजब होते हैं सुख से अजीब, हंस रही हैं और काजल भीगता है साथ साथ। हजरत गिरामी एक खातून जब अपने दिल के जज्बात को शायरी बनाकर पेश करती है तो उसमें अपनी जिंदगी होती है, उसमें अपना मौशरा होता है, उसमें अपने घर आंगन के मसाइल हुआ करते हैं। एक खातून अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ किरदार अदा करती है, कभी वो हमारी जिंदगी में बहन बनकर आती है तो कभी बीवी बनकर हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाती है, तो कभी माँ बनकर हमें जन्नत में जाने की जमानत दे देती है। तो आइए हज़रत गिरामी, इस वक्त मैं चाहता हूँ कि आपकी मुलाकात एक शायरा से कराऊं जिसे लोग मोहतरमा सादिया इकरा साहिबा के नाम से जानते हैं। इस वक्त मैं चाहता हूँ कि तशरीफ लाएं और अपना कलाम पेश करें। इन अशआर के साथ ज़हमत कलाम देता हूँ कि उसकी आंखें उसकी आंखें उसकी आंखें जो कभी शेर सुनाने लग जाएं, उसकी आंखें जो कभी शेर सुनाने लग जाएं, हम जो गजलें लिए फिरते हैं ठिकाने लग जाएं, हम तही जर्फ नहीं है कि मोहब्बत करके किसी एहसान के मानिंद जताने लग जाएं। आपकी हसीन समातों के बीच मोहतरमा सादिया इकरा साहिबा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह मुशायरा बहुत खूबसूरत सजा हुआ है और बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज इस प्रोग्राम के कन्वीनर हैं जनाब इजाज़ अहमद इदलिसी साहब, डॉक्टर परवेज अख्तर मेजर साहब और नाज़िम मुशायरा जनाब आलिम समर साहब को भी मुबारकबाद पेश कर रही हूं कि बहुत अच्छे अंदाज में मुशायरे को हैंडल कर रहे हैं। मैं जनाब सदर मुहतरम की इजाज़त चाहता हूं, एक मतला चंद शेर हाजिर करती हूं मुलाहिज़ा। जमाना क्या कहेगा इस तरह जाना नहीं अच्छा। क्या कहने हैं, जमाना क्या कहेगा इस तरह जाना नहीं अच्छा। जमाना क्या कहेगा इस तरह अधूरा जो भी रह जाए वो अफसाना नहीं अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कुछ तुम पे शक करते तो फिर हम साथ क्यों रहते। क्या कहने, अगर कुछ तुम पे शक करते तो फिर हम साथ क्यों रहते। अगर कुछ तुम पे शक
करते तो फिर हम साथ क्यों रहते, मगर छोड़ो कि ना समझो को समझाना नहीं अच्छा। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मगर छोड़ो कि ना समझो को समझाना नहीं अच्छा। वाह 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 वाह, मैं तमाम भाइयों का और बुजुर्गों का साथ चाहती हूँ, मैं पढ़ती हूँ। इरशाद, किसे दिखलाए जख्म अपने, अजीजों ने जो बख्शे हैं। वाह वाह वाह, किसे दिखलाए जख्म अपने, अजीजों ने जो बख्शे हैं, कि गैरों को तो अपना राज बतलाना नहीं अच्छा। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। कि गैरों को तो अपना राज बदलाना नहीं अच्छा। नहीं लगता है कुछ अच्छा हमें जब याद आते हो। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। नहीं लगता है कुछ अच्छा हमें जब याद आते हो, चले आओ किसी के दिल को तड़पाना नहीं अच्छा। चले आओ किसी के दिल को तड़पाना नहीं अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। नहीं लगता है कुछ अच्छा हमें जब याद आते हो, नहीं लगता है कुछ अच्छा हमें जब याद आते हो, चले आओ किसी के दिल को तड़पाना नहीं अच्छा। चले आओ किसी के दिल को तड़पाना नहीं अच्छा। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। मैं एक मतला चंदा शेर और मुलाहजा करती हूँ, सुनेगा। इरशाद, तेरे दर पे आने को जी चाहता है। भाई स्टेज से बैठे इमाम शोरा इकराम भी जरा सा साथ दें ताकि हौसला अफजाई इनकी होती रहे। तेरे दर पे आने को जी चाहता है, लहू में नहाने को जी चाहता है। हाँ ऐसे ही आप सब मेरा साथ दीजिए। क्या लहू में नहाने को जी चाहता है। वाह वाह, बहुत जख्म खाए हैं दिल की गली में, बहुत जख्म खाए हैं दिल की गली में, मगर दिल लगाने को जी चाहता है, मगर दिल लगाने को जी चाहता है। नाखों में आंसू बचे हैं कि रो,
नाकों में आंसू बचे हैं कि रो ना हंसने हंसाने को जी चाहता है। क्या कहना है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ना हंसने हंसाने को जी चाहता है। वाह 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 वाह। परेशान करती है जब उनकी यादें, परेशान करती है जब उनकी यादें, गजल गुनगुनाने को जी चाहता है। गजल गुनगुनाने को जी चाहता है। जहाँ पर किसी को मोहब्बत है मिलती, जहाँ पर किसी को मोहब्बत है मिलती, वहीं आने जाने को जी चाहता है। वहीं आने जाने को जी जहाँ पर किसी को मोहब्बत है मिलती, जहाँ पर किसी को मोहब्बत है मिलती, वहीं आने जाने को जी चाहता है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं आने जाने को जी चाहता है। जो जो ये मकला है गजल का, जो बेताब होते हैं हम गम से इकरार। अब आप लोग मेरा साथ दीजिएगा। जो बेताब होते हैं हम गम से इकरार, जो बेताब होते हैं हम गम फिर मुस्कुराने को जी चाहता है। क्या बात है, तो फिर मुस्कुराने को जी चाहता है। इस कुर्रे अर्जी पर सबसे सुलगता हुआ मौजू आज फलस्तीन की तबाही का है, तो मैं सोच रही हूँ पढ़ूं। मुंह खोलता नहीं जो कभी चीन के खिलाफ। वाह, हाँ आप लोग साथ देंगे तो ये मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगी। मुंह खोलता नहीं जो कभी चीन के खिलाफ, हर वक्त सोचता है मेरे दीन के खिलाफ, हर वक्त सोचता है मेरे दीन के खिलाफ। अपने वतन का जिसको मणिपुर नहीं दिखा, अपने वतन का जिसको मणिपुर नहीं दिखा, वो जहर गल रहा है फलस्तीन के खिलाफ। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, जहर गल रहा। अरे वाह 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 वाह, एक बार मुकर्रर इरशाद फरमाए, वाह 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 वाह, क्या सच्चाई बयान कर रही है, वाह 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 वाह, मुकर्रर इरशाद फरमाए। मुंह खोलता नहीं जो कभी चीन के खिलाफ, मुंह खोलता नहीं जो कभी चीन के खिलाफ, हर वक्त सोचता है मेरे दीन के खिलाफ, हर वक्त सोचता है मेरे दीन के खिलाफ।
इस शेर के दो मिसरे में आप लोग का साथ चाहिए मुझे। अपने वतन का जिसको मणिपुर नहीं दिखा, अपने वतन का जिसको मणिपुर नहीं दिखा, वो जहर उगल रहा है फलस्तीन के खिलाफ, वो जहर उगल रहा है फलस्तीन के खिलाफ। एक मतलब एक शेर पेश कर रही हूँ, मुलाहजा करें। चमकती धूप मचलती नदी से क्या लेना, चमकती धूप मचलती नदी से क्या लेना, तेरे बगैर मुझे इस जिंदगी से क्या लेना। हमारा दिल ही खटर हो गया है जब इतरा, हमारा दिल ही खटर हो गया है जब इतरा, इमामबाड़े से बारा दली से क्या लेना। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चार मिसरे आप लोग को सुनाती हूँ। दिल दुखाना हमें नहीं आता, दिल दुखाना हमें नहीं आता, जी जलाना हमें नहीं आता। क्या क्या कह रहे हैं? जी जलाना हमें नहीं आता, हाय किस बेमुरौवत पे कुर्बान हुई, मैं तो पागल हुई, मैं तो नादान हुई, मैं तो पागल हुई, मैं तो नादान हुई। बिंत हवा की किस्मत में इज्जत कहाँ, ये मैं माँ बहन के हवाले से पढ़ूं, कहीं से सुन ही रही होंगी मुझे। बिंत हवा की किस्मत में इज्जत कहाँ, बिंत हवा की किस्मत में इज्जत कहाँ, ऐशो मस्ती की अब तो ये सामा हुई। क्या बात है, वाह वाह, ऐशो मस्ती वाह वाह वाह, अब तो ये सामा हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। यक बयक आज वो अजनबी हो गया, मैं दिलजले लोग बैठे होंगे यहाँ पे, उनके हवाले से पढ़ रही हूँ, बैठे हैं ना। यक बयक आज वो अजनबी हो गया, यक बयक आज वो अजनबी हो गया, जिसकी खातिर मैं हद से परेशान हुई, जिसकी खातिर मैं हद से परेशान हुई।